Hey guys, Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो हम आ गए आपके लिए न्यू वीडियो लेकर जिसका टाइटल है ज़ाकिर नाइक नजर आए कतर में। सऊदी अरेबिया से ऐसे ने अजान को कम कराया। यस, यही सब है। तो देखते हैं अभी फीफा वर्ल्ड कप ये सब है। नहीं, ये टाइटल है लेकिन उसमें थोड़ा ऐसे वो जो लिखा है ना उसको मैंने सा बोल दी थी, तो सॉरी उसके लिए। वो चलता है, वो सब्सक्राइबर्स भी मैं बोल लूं। यस, तो मैं ये बोलना चाह रही थी कि अभी वहाँ पर जो होने वाला है फीफा वर्ल्ड, क्या होने वाला है, फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है। तो कतर में एक वो होता है ना, हाँ, डॉक्टर ज़ाकिर आने वाले हैं, उसपे वीडियो देखते हैं। आएंगे ना, मतलब वही ओपनिंग चल रही है और बहुत सारी न्यूज आ रही है कि बट ये रियल है कि नहीं, मेरे को फेक है कि देखते हैं क्या है। तो आप लोग भी लास्ट तक जरूर देखो ये वीडियो को, बहुत मजा आएगा। अमेजिंग वीडियो है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। खतर का नजारा है, खतर के अंदर फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है जिसके चलते ये तैयारियां की गई है। पूरे के पूरे मुल्क को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। 2017 से 2021 तक सऊदी अरब की जानिब से खतर के ऊपर ब्लॉकेट लगाया गया था, खतर का जीना मुश्किल कर दिया गया था। लेकिन 2021 में आखिरकार सऊदी अरब ने खतर के सामने घुटने टेक दिए और जो इलीगल ब्लॉकेट सऊदी ने लगाया था वो ब्लॉकेट भी उसने हटा लिया। खतर की ये कामयाबी देखकर सऊदी के चाहने वालों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। इसी वजह से काफी सारे मुल्क से लोग आए थे और काफी सारे लोग म्यूजिक लगाकर नाच रहे थे। रात का वक्त हो चुका था, उसके बावजूद म्यूजिक चल रहा था। लेकिन ईशा की अज़ान हुई, जैसे ही ईशा की अज़ान हुई हुकूमत ने क्या किया, तमाम के तमाम म्यूजिक बॉक्सेस को बंद करा दिया। और ये कल का ही नजारा है, ईशा के वक्त का नजारा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सऊदी अरब का क्या हाल है। एक जानिब खतर की हुकूमत म्यूजिक को बंद करा रही है अज़ान के वक्त, वहीं दूसरी जानिब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अज़ान के टाइम के ऊपर सऊदी अरब के अंदर म्यूजिक चल रहा है। और इन लोगों ने क्या किया, मस्जिदों के इमामों से कह दिया कि आवाज मस्जिद से बाहर नहीं आनी चाहिए। ये तो सऊदी अरब का नज़ारा आपने देखा, वहीं दूसरी जानिब खतर के अंदर क्या माहौल था कल रात का, आप लोग देखकर हैरान हो जाएंगे। देखने आ रहे हैं उनको भी दीन इस्लाम की दावत देने के लिए ये लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुरान की आयतों को दीवारों के ऊपर लिखवा रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब सऊदी अरब का क्या हाल है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आम पब्लिक जो शो देखने आई थी उनको भी कहा गया आइए डांस करिए, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ खवातीन खड़ी हुई और वो लोग नाचने के लिए चली गई। वीडियो से आपने अंदाजा लगा लिया होगा सऊदी अरब भी अरब से ताल्लुक रखते हैं, खतर वाले भी अरब से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन खतर से कुछ ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो कि एक कंट्रोवर्शियल स्कॉलर है, उनके भी वीडियो सामने आए। करोड़ों लोग एक साथ मैच देखेंगे, दुनिया भर से लोग आएंगे और बताया ये जा रहा है कि वो लोग डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को भी टेलीकास्ट करने वाले हैं। और ज़ाकिर नाइक को लेकर पुराने वीडियोज भी सामने आ रहे हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 6 साल पुराना वीडियो लोग दोबारा शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने यहाँ पर लोगों से इस्लाम कबूल करने लगा है। ऐसे पुराने वीडियोज के ऊपर बिल्कुल भी यकीन मत करिए। जहां तक डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की बात है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक काफी सारी कंट्रीज में बैन है, यहां तक कि इंडिया में भी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बैन है। और हो सकता है कि व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर ये फेक वीडियोस भी काफी सारे लोग शेयर करेंगे। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के खिलाफ संगीन मुकदमे भी दर्ज है जिसको लेकर भी काफी सारे लोग नाराज है। काफी सारे लोगों का कहना है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को बुलाकर खतर ने अपने ही पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली। तो आप लोगों की क्या राय, इससे मुतालिक कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। तो गाइस ये तो वीडियो, और भाई सच में मेरे को, मैं पहली बार समझ रहा हूँ। मैं ये जानता था कि इंडिया से तो बैन है वो, इंडिया में पहले उनका शो चलता था पीस टीवी में, ये मेरे को पता था। और बहुत सारे वीडियो पे हम रिएक्शन भी दिए, लेकिन इंडिया में बैन है ये मेरे को पता था, लेकिन और भी कंट्री में बैन है ये मेरे को आज पता चला इस वीडियो को देख के। मतलब वो इंसान में कुछ क्वालिटी होगी यार, तभी तो इतने पूरे दुनिया वाले खिलाफ है ना। और कतर उनको बुला रहे, अभी क्या सच है क्या झूठ अभी तो हम नहीं बोल सकते। जब फीफा वर्ल्ड कप का ओपनिंग होगा तब आएंगे या कब आएंगे ये आगे आप लोगों को पता चलेगा और हम वीडियो पर रिएक्शन जरूर लेके आएंगे। तो आप लोग क्या सोचते हो इस बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और अगर आप लोग इस वीडियो पे न्यू हो गए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय, लव यू गाइस।